अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पिछले मॉड्यूल्स में स्केलिंग के हवाले से बात की कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर को। अब हम उन स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जो उन चैलेंजेस से निमटने के लिए और स्केलिंग को करने के लिए एक्चुअली सोशल एंटरप्रेन्योर को चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो पहली स्ट्रेटजी है स्केलिंग के हवाले से। बेसिकली ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। बास लोग जो है वो इसको स्केलिंग की स्ट्रेटजी के तौर पे कंसिडर करते हैं और लिटरेचर में बास जगहों पर इसको प्री रिक्विजिट के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि एक सोशल एंटरप्राइज को अपने आप को स्केल करने से पहले ये देखना जरूरी है कि क्या उसकी कैपेसिटी है ग्रो करने की। फेयर एनफ क्वेश्चन। लेकिन यही चीज जो है वो ऑन गोइंग बेसिस पर भी हो सकती है कि स्केलिंग का डिसीजन कर लिया, स्केलिंग की स्ट्रेटजी जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग खुद जो है वो एक स्ट्रेटजी है। मुख्तलिफ किस्म की कैपेसिटीज जो हैं वो हो सकती हैं जो कि स्केलिंग के हवाले से चाहिए। सबसे पहले उसमें मिशन आ जाता है। मिशन सोशल एंटरप्राइज में इम्पोर्टेंट है। मिशन के बगैर सोशल एंटरप्राइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन स्केलिंग के हवाले से मिशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि सोशल एंटरप्रेन्योर ने जिस मिशन के साथ, जिस विजन के साथ स्टार्ट किया था और उसको उसने इम्प्लीमेंट करके दिखाया, क्या उसको बढ़ाने से अभी भी वो मिशन उसी तरह रेलेवेंट है, या बढ़ाने से या स्केलिंग के हवाले से कहीं मिशन में कोई चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, या मिशन डिट्रैक्शन तो नहीं हो जाएगी। ये वो एलिमेंट्स हैं जो स्केलिंग के लिए मिशन के हवाले से कंसिडर करना जरूरी है। मिशन को रिविजिट करता है सोशल एंटरप्रेन्योर और फिर उसके जरिए से उसके जो स्केलिंग के डिसीजन है उनके बारे में गाइडेंस लेता है। दूसरी जो कैपेसिटी है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कितना हॉरिजॉन्टल, कितना वर्टिकल, कितना हायरार्किकल या कितना फ्लेक्सिबल है और कितना अच्छी तरह से वो मैनेज किया जाता है। जितनी जो है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा, जितना अच्छी तरह मैनेज होगा, उसके लिए जो स्केलिंग है उसमें आसानी हो जाएगी। जो बहुत हायरार्किक रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्केलिंग के दौरान रीएडजस्ट करने में मुश्किल पेश आती है। बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करना होता है फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल के दरमियान। एक तरफ वो चाहता है कि उसका स्टाफ, उसकी टीम जो है वो जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं स्केलिंग के हवाले से वो अवेल करें और इम्पैक्ट को बढ़ाएं, लेकिन दूसरी तरफ उसको फिक्र है कि उसकी सर्विसेज की क्वालिटी जो है वो इम्पैक्ट ना हो। उसको कंट्रोल रखना होता है बहुत क्लोजली अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। तो ये जो बैलेंस है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही इंश्योर कर सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितनी कैपेसिटी है इस बैलेंस को मेंटेन करने की। तीसरी कैपेसिटी जो है वो मॉडलिंग की है। सोशल एंटरप्राइज को ये डॉक्यूमेंट करने की जरूरत होती है कि व्हाट वर्क्स, क्या चीज थी जहां उसने जीरो से स्टार्ट किया और उसने काम किया, उसके लिए क्या बिजनेस प्लान, क्या ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस, क्या चीजें जो थी वो वर्क उन्होंने किया उसके लिए उसके फायदे में, और क्या चीजें जो थी वो हर्डल्स बनी। एक दफा जब वो मॉडलिंग कर लेता है, डिटेल से डॉक्यूमेंट कर लेता है कि क्या मॉडल है उसका, उसके एंटरप्राइज का, तो फिर उसको रेप्लिकेट करना आसान हो जाता है। ये रेप्लिकेशन जो है वो ना सिर्फ स्केलिंग के हवाले से सोशल एंटरप्रेन्योर खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकता है, बल्कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस अगर उस मॉडल को रेप्लिकेट करती हैं तो ये भी एक तरह से स्केलिंग की ही एक फॉर्म समझी जाएगी कि उसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है। चौथी कैपेसिटी जो है जिसको बिल्ड करने की जरूरत होती है स्केलिंग के हवाले से वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से मुराद वो नॉर्म्स, वो वैल्यूज, वो बिहेवियर्स हैं जो कि इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को सपोर्ट करें। मसलन एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक चेंज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, ये वो एलिमेंट्स हैं, और रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, बेनिफिशरीज जो हैं उनको रिस्पेक्ट देना, ये वो कल्चरल एलिमेंट्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो या तो उसको एक्सपेंड करने में सपोर्ट कर सकते हैं या वो हर्डल बन सकते हैं।
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबल कल्चर ना हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्ट का बिहेवियर ना हो लोगों के दरमियान आपस में, तो एक्सपेंशन मुश्किल हो जाती है। स्केलिंग की स्टेज पे बड़ी तेजी से डिसीजंस लेने होते हैं, पोजीशंस बदलती हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और ऐसे एलिमेंट्स जो कल्चरल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस स्टेज पर कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल वेंचर जो है वो स्केल अप करेगा या नहीं कर पाएगा। फिर डेटा गैदर करने और उसको एनालाइज करने की कैपेसिटी एसेंशियल है। ऑफ कोर्स लोगों की जरूरियात को समझना, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना कि और जो सोशल वेंचर ने जरूरियात पूरी कर दी या सोशल प्रॉब्लम्स हल कर दिए, उनके अलावा अब क्या नए प्रॉब्लम्स हैं या क्या नई नीड्स हैं जिनके बारे में हम एक्सपेंशन कर सकते हैं या हमारी स्केलिंग हो सकती है। रिसोर्सेज के हवाले से डेटा चाहिए होता है कि एक्सपेंशन के लिए या स्केलिंग के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। डेटा ज़रूरी है सक्सेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए कि इम्पेक्ट कितना और किस तरह का हुआ। हम पिछले मॉड्यूल्स में बात करते रहे हैं कि डेटा क्वांटिफाइड फॉर्म में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है डोनर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, डेटा टूवर्ड्स वीकनेसेस, अपने जो काम करना एंटरप्रेन्योर के लिए उसमें जो वीकनेसेस हैं, जो पिटफॉल्स हैं, जो लैकिंग एरियाज हैं, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करना ताकि स्केलिंग के दौरान उन एरियाज को स्पेशली अटेंशन दी जा सके, एड्रेस किया जा सके। कैपेसिटी टू हैव रिसोर्सेज, हमारी रिसोर्सेज की कैपेसिटी कितनी है, क्या स्केलिंग का जो लेवल हम सोच रहे हैं सोशल एंटरप्रेन्योर उसके पास उतने रिसोर्सेज हैं, अगर नहीं है तो कहाँ से अरेंज हो सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं विजा वी एक्सपेंशन या स्केलिंग उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है, और क्या ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है कि वो दोनों में एक बैलेंस क्रिएट कर सके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पर कोई कमी है तो ये एसेंशियल है कि ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंटरप्राइज अपनी रिसोर्स मैनेजमेंट की कैपेसिटी को बिल्ड करे, उसके बगैर स्केलिंग मुमकिन नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लीडरशिप और मैनेजमेंट, जैसे हमने बात की कि स्केलिंग के दौरान बहुत तेजी से डिसीजंस लेने होते हैं, चीजें बदलती हैं, लोग चेंज को रेजिस्टेंट हो सकते हैं, वो उससे घबरा जाते हैं कि शायद किसी की जॉब चली जाए, किसी की पोजीशन छिन जाए, किसी का जो फ्रेंडशिप का हलका है वो डिस्टर्ब हो जाए। ऐसे में अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो स्टाफ के लिए चेंज को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा, बेनिफिशरीज को कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा कि हम स्केलिंग कर रहे हैं, हम चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, उसमें आपका क्या फ़ायदा है और ये आपको किस तरह से पॉजिटिवली इम्पेक्ट करेगा। थैंक यू।